जिंदगी में पागल बनाते रहे हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ आज रामपुर पहुंचे। लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत के बाद उनका यह पहला रामपुर दौरा है। इसमें उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया और 72 करोड़ की 22 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। रामपुर पुलिस लाइन में बनी बहुमंजिला भवन का लोकार्पण किया और शिशु सदन में जाकर अनाथ बच्चों के साथ समय व्यतीत किया। इसके बाद रामपुर के फिजिकल स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए ही उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए, उन्होंने रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया और विकास परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रखकर के नहीं बल्कि गाँव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबकों के ध्यान में रखकर नहीं बल्कि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द बनाते हुए शोषण का जरिया बनाने का प्रयास किया, जिन्होंने विकास के पहिए को थामने का काम किया है। लोकसभा उपचुनाव के बाद आज इस किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में रामपुर में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर जनपद वासियों को प्राप्त होने वाली 22 विकास की इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि रामपुर वासियों ने विकास, सुरक्षा और समृद्धि के साथ खड़े होकर के एक नए युग की शुरुआत की है और श्री घनश्याम सिंह लोधी जी को अपना सांसद चुनकर के बाद स्पष्ट संदेश दे दिया है। इसके लिए पूरे रामपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले भी और विधानसभा चुनाव के पहले भी मुझे कई बार यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं बार बार कहता रहा हूं कि रामपुर की अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान रही है। इस पहचान को हर हाल में बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया, विकास की परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रखकर के नहीं, लोक कल्याण को ध्यान में रखकर के नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके के लोगों को ध्यान में रखकर के नहीं बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया, जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछली सरकारें किस प्रकार का कार्य करती थी, स्वयं के हितों के लिए योजनाएं बनती थी, पैसा सरकार का, लेकिन अपने स्वयं के स्वार्थ से उबर करके कोई भी कार्य नहीं हो पाता था और यही कारण था कि राजकीय मुकुर्जा इंटर कॉलेज को एक पार्टी विशेष का कार्यालय बना दिया गया और अपने निजी स्कूल में उसे बदलने का कार्य किया गया। इसी प्रकार से यहां के 200 वर्ष पुराने शैक्षिक संस्थान मदरसा आलिया को भी एक निजी विद्यालय में बदलने का कार्य हुआ था। उसके समृद्ध पुस्तकालय की जो दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें थी बिना किसी अनुमति के उन्हें जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ था, लेकिन भाइयों बहनों, सरकार ने वापस मदरसा आलिया के हस्त लिखित जो पांडुलिपियां थी उन्हें वापस उन्हें देकर के उसको संरक्षित करने का कार्य भी किया और कहा कि दुर्लभ पांडुलिपियों के साथ खिलवाड़ करने की चोट किसी को नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार से सिटी मैनिफेस्टो
कभी गेस्ट हाउस हुआ करता था और कहा जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी असहयोग आंदोलन के दौरान यहां पर रुक करके देश की आजादी को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। लेकिन ऐतिहासिक महत्व के इस संस्थान को भी हड़पने का कार्य हुआ था और यही नहीं तमाम पिछले 10-12 वर्षों से हो रहा था उन सभी साजिशों को बेनकाब करने के लिए ही मैं बार बार रामपुर आता था आपका आह्वान करने के लिए कि हम बर्बाद न होने दें, आने वाली पीढ़ी को हम अपने आप को पोसने के लिए न छोड़े, बल्कि अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ हमें डट करके खड़ा होना होगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि अब रामपुर में बिना भेदभाव विकास किया जाएगा।